ये कहानी एक कालू कव्वे की है। एक कालू कव्वे को मकई खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो हर साल अपने खेतों में मकई की ही फसल उगाता था। कालू भाई, आप तो हर साल मकई की ही खेती करते हो, इस साल अनाज की खेती कर लो। हाँ हाँ कालू दोस्त, आपकी ये मकई खा के मैं तो फट गई हूँ। आप कोई मीठे से फल की खेती कर लो। अरे आप दोनों चुप हो जाइए, मैं जब छोटा सा था तब से यही सोचता आया हूँ कि खेती करूँगा तो सिर्फ मकई की, वरना नहीं। अरे कालू भैया, ऐसा भी क्या मिलता है आपको इस मकई की खेती से? ये कोई ज्यादा महंगी तो होती नहीं है, और आधी फसल तो वैसे ही खराब हो जाती है। हो चिड़िया, आप एकदम सही कह रही हो, और तो और आधी फसल तो खेत में ही खराब हो जाती है। अरे जाओ जाओ, आप सबका ये बक बक सुनकर मैं अपना आइडिया बदलने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूँगा खेती तो सिर्फ मकई की ही। कालू कव्वे की ये बात सुनकर तो सारे पक्षी चुप ही हो जाते हैं। चलो यहाँ से, ये कालू कव्वा तो पागल हो गया है, खाने दो इसे भुट्टे ही भुट्टे। ऐसे बातें करके कालू कव्वे को अकेला छोड़ के सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, और वे आपस में बातें करते हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए, परंतु इस बार हम कालू भाई को मकई की खेती नहीं होने देंगे। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, जो करना है आप ही करो, हमें क्या लेना उस कालू कव्वे से? अगर वो मकई की खेती करता है तो उसे करने दो। अरे मिट्ठू भाई, कालू कव्वा मकई का काश्त कर करके उसका आदी हो गया है। वह भूल गया है कि हमें मौसम के साथ बदल बदल कर खेती करनी चाहिए। आप सही कह रही हो चिड़िया, हमें कालू कव्वे का मन बदलना होगा ताकि वो बदलते मौसम के साथ खेती करे। ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, परंतु हम कालू कव्वे को मकई की काश्त करने से कैसे रोकेंगे? अरे अरे, मेरे पास एक उपाय है जिससे कालू कव्वा मकई के बीज अपने खेत में उगा ही नहीं पाएगा। फिर टुनी चिड़िया तोते और कबूतर को अपना सारा प्लान समझा देती है। हाँ हाँ चिड़िया, ये आइडिया जरूर काम करेगा, परंतु सबसे पहले मैं कालू के घर जाऊँगा। ठीक है मिठू तोते, आप चले जाना सबसे पहले कालू कव्वे के घर। चलो दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली सुबह। ये सब बातें करके वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों फिर से उसी जगह पर मिलते हैं। अरे दोस्तों, मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम सूखा बूढ़ा लग रहा है रे तू। अब तू जा कालू के घर और भीख मांग के ले क्या। अरे जाता हूँ, आप दोनों भी तैयार रहना मेरे कालू के घर जाने के बाद। ये सारे मकई के बीज खत्म जो करने हैं। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता कालू कव्वे के घर चला जाता है। बेटा साधु को कुछ खाने को दो, तारे बाबा को बहुत भूख लगी है। अरे साधु जी, आप क्या खाना पसंद करोगे? अरे बेटा, मैंने सुना है कि तुम मकई की खेती करता है, तो उन्हीं में से कुछ मकई मुझे दे दो। फिर कालू कव्वा तोते को मकई के बीज दे देता है, और मिट्ठू तोता मकई के बीज लेकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाता है। लो रे, ले आया। अरे कालू के बीजों में से कितने सारे मकई के बीज ले आया। अब मेरी बारी है, अब मैं जाता हूँ और देखना मैं कितने सारे मकई के बीज लेकर आता हूँ। फिर कबूतर भी कालू कव्वे के घर के तरफ चला जाता है, और वे जोर जोर से बोलता है। हे धनी पक्षी, तेरे द्वार पर बाबा खड़े हैं। बाबा को कुछ खाने को दो, बाबा बहुत भूखे हैं। अरे बाबा जी प्रणाम, मैं अभी आपके लिए ताजे ताजे फल लाता हूँ। अरे मूर्ख बालक, बाबा कोई फल नहीं खाते, बाबा तो बस मकई के उभरे हुए दाने खाते हैं। अरे माफ करना बाबा जी, मैं अभी जाकर आपके लिए मकई के दाने लाता हूँ। अरे आज तो मुझे अपने मकई के खेत
खेत में सारे बीज बोने हैं, परंतु इस तरह तो मेरे सारे बीज खत्म हो जाएंगे। परंतु मैंने बाबा को मक्के नहीं दिए तो बाबा मुझे श्राप देंगे। ऐसा सोचते सोचते कालू कौवा मक्के के दाने बाबा को दे देता है और फिर कबूतर मक्के के वो दाने वहाँ से लेकर चला जाता है। ये लो दोस्तों, मैं कालू के घर से मक्के के बीज लेकर आया हूँ। अब तो उसके पास कुछ ही दाने बचे हैं। अरे कबूतर भैया, सब कुछ ठीक रहा ना? कालू भैया को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं नहीं चिड़िया बहन, कालू को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो सब अपने प्लान के मुताबिक ही सब कुछ कर रहे थे। इस तरह चिड़िया भी बेस बदल कर कालू कौवे के घर में चली जाती है। अरे कालू बेटा, कुछ खाने को दो, मैं दो दिन से भूखी हूँ। अगर आज मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया तो वो भी भूख से मर जाएंगे। अरे माँ जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए ताजे ताजे फल लेकर आता हूँ। नहीं कालू बेटे, मेरी बेटिया दो दिन से भूखी है, अगर घर में कोई दाना पड़ा हो तो वो ही दे दे। अगर आज मेरी बेटियों को खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगी। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो अब थोड़े से ही मक्के के दाने बचे हैं। अगर वो माजी को दे दिए तो मैं अपने खेत में क्या बोऊंगा? परंतु अगर माजी को दाने नहीं दिए तो माजी की बेटियां भी भूख से मर जाएंगी। अरे क्या सोच रहे हो बेटा, दाने दोगे या नहीं? हाँ माजी, मैं जाकर अभी आपके लिए मक्के के दाने लेकर आता हूँ। उस समय ना चाहते हुए भी कालू कौवा सारे दाने चिड़िया को दे देता है और वो सारे दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखेंगे कालू जी को कैसे मकई के दाने उगाएगा। अरे सारे बीज तो हम ले आए हैं। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, अब तो कालू कौवे को कोई दूसरी फसल उगानी ही पड़ेगी। हम कल सुबह कालू कौवे के खेत पर जाएंगे और उसे बाजरे के बीज दे देंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैंने सुना है ठंड में बाजरा खाना बहुत अच्छा होता है और इसकी फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे में शाम हो जाती है, वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और उधर कालू कौवा भी गहरी सोच में पड़ा था। अरे मेरे सारे मकई के बीज तो खत्म हो गए, अब मैं अपनी खेत में क्या बोऊंगा? मगर मैं अपनी खेत में कोई दूसरी फसल तो नहीं बोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने चाचा के घर चला जाता है और उनसे मकई के बीज मांगने लगता है। चाचा जी, आप मुझे कुछ मकई के बीज दीजिए, जब मेरी फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो मैं आपके सारे बीज लौटा दूंगा। कालू कौवे के चाचा उसे बीज दे देता है और कालू कौवा अपने सारे खेतों में मकई का बीज उगा देता है। अगली सुबह कालू कौवा अपनी खेतों में पानी लगाने के लिए चला जाता है और उसी समय वहाँ पर दूसरे सारे पक्षी भी आ जाते हैं। अरे कालू भैया, आप निराश ना हो, हम सब आपके लिए बाजरे के बीज लाए हैं, आप इन्हें अपनी खेतों में बो दीजिए। अरे आप लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो अपनी खेतों में बीज बो दिए हैं और अब मैं यहाँ पर पानी लगाने आया हूँ। क्या कालू, तेरे सारे मकई के बीज खत्म नहीं हो गए थे, फिर तेरे पास ये बीज कहाँ से आए? अरे मैं रात को ही अपने चाचा जी के घर गया था और इनसे बीज मांग कर लाया हूँ और उन्हें बो भी दिया हूँ। अब हटो यहाँ से, मुझे पानी लगाने दो। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने काम में लग जाता है और वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। काश मेरे पास भी कोई खेत होता, मैं इसमें अच्छे अच्छे फसल उगाता, ना के मकई के फसल के पीछे ही रहता। मैं तो कहता हूँ
अरे जब कालू कव्वा यहाँ से चला जाए तो हम इसके मकई के बीज निकाल कर इसमें और बीज बो देंगे। अरे नहीं मिट्ठू तोते, ये गलत बात है। अब कालू कव्वे ने फसल बो दी है, अगर एक बार फसल बो दी जाए तो उसे खराब नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था ये कालू कव्वा बहुत जिद्दी है, ये किसी की भी बात नहीं सुनेगा। फिर कालू कव्वा अपने फसल की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। इस तरह से समय बीतने लगता है और कालू की फसल उग कर तैयार हो जाती है। एक दिन तोता वहाँ से गुजरता है तो क्या देखता है? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये कालू का खेत है? मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे जल्दी से कबूतर और चिड़िया को बता देता हूँ। तोता वहाँ से तेजी से उड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें कालू कव्वे के खेत पर ले आता है। अरे अरे मिट्ठू भाई, आप तो एकदम सही कह रहे थे, कालू कव्वे के खेत में तो चीकू की फसल लगी है। वह तीनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कालू कव्वा आ जाता है। हाँ हाँ दोस्तों, ये चीकू की ही फसल है। जब मैं अपने चाचा के घर गया था तो उन्होंने मुझे चीकू के बीज दिए और मुझे समझाया भी, तभी मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने खेत में बार बार एक फसल को नहीं उगाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चाचा जी ने आपको समझा दिया, वरना हर बार की तरह इस बार भी हमें भट्टे खाने को मिलते, परंतु इस बार हमें मीठे मीठे चीकू खाने को मिलेंगे। चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो काम हम ना कर सके चाचा जी ने कर दिया। फिर वो सारे पक्षी मजे मजे से उन मीठे चीकुओं का आनंद लेते हैं और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।